Hello, all of you. Good afternoon. Am I audible? Yes. Am I audible? Bolo. ठीक है. ओके. तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ तक किया था लास्ट क्लास. कोई डाउट है क्या पिछले क्लास से किसी को भी? यस. नहीं, अगर आपने बेसिक्स ये वाला नहीं किया है तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा समझने में. नहीं, आप एक बार देखो 5 मिनट्स. इफ यू नो दीज टॉपिक्स यू कैन स्टे, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो फिर. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं. ओके. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. स्टैंडर्ड एरर वर्सेस स्टैंडर्ड डिविएशन हमने समझा था कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन को यूजुअली दिखाते हैं. सो देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वाई वी यूज मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सो मच. ठीक है, वॉट इज द रीजन ऑफ यूजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन? क्योंकि हमने वेरियंस पढ़ा है, हमने स्क्यूनेस पढ़ा है, मतलब हमने स्क्यूनेस पढ़ा है, कर्टोसिस पढ़ा है, बट वाई ओनली मीन विच इज द फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वेरियंस विच इज द सेकेंड सेंट्रल मोमेंट? तो क्यों खाली ये दोनों हम ज्यादा फोकस करते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस कैन एक्चुअली बी अंडरस्टूड इफ यू जस्ट, मोस्ट ऑफ द रिटर्न ऑन द एसेट क्लासेस कैन बी अंडरस्टूड इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द मीन एंड वेरियंस का कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो इट इज सफिशियंट इनफ. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव डन डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक वी हैव डन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव डन बाइनोमियल, वी हैव डन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. सो देर आर अ नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच आर देयर, टू पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली, वन पैरामीटर इज वेल. ऑल दोज वन पैरामीटर टू पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो आप मीन एंड वेरियंस, ये दोनों अगर आपको पता है तो आप उसको समझ सकते हो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है. अगर मीन हाई है, मीन रिटर्न हाई है, सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑन एवरेज यू आर गेटिंग अ हाई रिटर्न. बट इफ द वेरियंस इज ऑल्सो वेरी हाई, वॉट डू यू अंडरस्टैंड? दैट द वेरिएबिलिटी विल ऑल्सो भी वेरी हाई. ठीक है, तो मीन एंड वेरियंस क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट. इट्स ऑल्सो ईजी टू टेक आउट मीन एंड वेरियंस. इट्स ऑल्सो ईजी टू अंडरस्टैंड वॉट मीन एंड वेरियंस मीन्स ऑल अबाउट. ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से हम मीन एंड वेरियंस ज्यादा करके यूज करते हैं. राइट. नाउ एक चीज और हम लोग नेक्स्ट जो समझेंगे कि अब हम लोग जब एसेट क्लासेस में वर्क करते हैं तो आपको डेली रिटर्न्स मिलते हैं. ठीक है, शेयर प्राइस, अगर मैंने बोला आईटीसी का शेयर प्राइस लो तो आपको आईटीसी यू गेट डेली शेयर प्राइस ऑफ आईटीसी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम यू आप डेली शेयर प्राइस डेटा यूज करके यू आर कैलकुलेटिंग द एवरेज. सो इफ यू कंसिडर, इट डिपेंड्स हाउ मेनी वर्किंग डेज आर देयर इन इंडिया, जहां पे हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी डेज द शेयर मार्केट इज ओपन ड्यूरिंग द ईयर. सो यूजली इट रेंजेस बिटवीन 252 टू 256 डेज इन एनी कंट्री, वेदर वर्किंग डेज सैटरडे संडे इग्नोर कर दो. दे ऑल्सो समटाइम्स टेक इट एज 260 ऑल्सो. 260 डेज तक हम बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज ओपन, जहां पे आप क्या देखते हो कि आपका डेली का शेयर प्राइस रिकॉर्ड हो रहा है. सो इफ दैट इज द केस, फॉर एग्जाम्पल आपने निकाल रखा है न्यू, आपने निकाला है डेली का, हाउ आपने पूरा 252 255 वर्किंग डेज का डेटा निकाला एंड देन उसका आपने एवरेज कर दिया, दैट इज डेली न्यू, डेली रिटर्न यू हैव गॉट. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग द डेली रिटर्न आई एम आस्किंग यू गिव मी द एनुअल एवरेज रिटर्न. एवरेज म्यू देने बोला है, एनुअल म्यू. तो एनुअल म्यू कैसे निकालेंगे अगर आपके पास डेली म्यू है? तो इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस डेली विथ
252. Assuming that 252 working days are there, so you just multiply it with daily, जो आपका mu आ रहा है, and you get your answer of annual average. Similarly, अगर आपको weekly दिए हुए हैं, now we say we have 52 weeks, ठीक है, बहुत लोग 52.25 लेते हैं, बहुत लोग 52 लेते हैं, so 52 weeks on average you have, so 52 into अगर आपके पास weekly average है, तो आप annual ऐसे निकाल सकते हो easily, ठीक है. Similarly, अगर आपके पास for example, if I tell you, you have the data of annual and you want to take out daily. So annual divided by 252 will give you average daily return that you will be getting. Okay? Similarly, we can also multiply with the variance. So same concept can be applied to variance, but not variance. We'll have to apply it to the standard deviation, right? So standard deviation, for example, अगर मुझे annual standard deviation निकालना है, so you multiply annual standard deviation with the daily standard deviation. Variance के केस में इसका square हो जाएगा, ठीक है? So why? Because अगर आप square करोगे दोनों तरफ, अगर आप square करोगे दोनों तरफ, तो आपको यहाँ 252 को भी square करना पड़ेगा. Understood? देख लो एक बार. एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, एक चीज मैंने गलत कर दिया, ये एक्चुअली स्क्वायर नहीं, हाँ ये स्क्वायर नहीं करना पड़ता. एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, आपका ये स्क्वायर में ही मल्टीप्लाई होता है. एनुअल में आपका 252 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हम वेरियंस में लेते हैं. यस, बिकॉज हम वेरियंस इंडिपेंडेंट मान रहे हैं ना, तो हम वेरियंस में लेते हैं. अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, गरिमा बताओ क्या करेंगे? रूट कर देंगे, ठीक है, रूट 252 कर देंगे. ऑलराइट, दिस इज नोन एज, इसको अगर ये दिया हुआ है, ये निकाल दिया, दिस इज नोन एज एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डिविएशन. ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोगों ने हायर मोमेंट्स बहुत बार पढ़ लिया है. सो हायर मोमेंट्स हमने क्या पढ़ा था, इफ यू ऑल रिमेम्बर, स्क्यूनेस का फॉर्मूला याद है क्या? स्क्यूनेस पढ़ा था हमने. स्क्यूनेस इज व्हाट? बेसिकली ऊपर में हम लोग क्या लेते हैं, थर्ड डिग्री, है ना, ये हम लोग क्यूब करते हैं पूरा, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय, व्हाट डू यू डू, दिस डिवाइडेड बाय वेरियंस का एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, या फिर एनुअलाइज्ड वेरियंस. ओके, यहां पे आप क्या करते हो बताओ, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्यूब या वेरियंस टू द पावर 3/2, है ना. सो एक्स माइनस ये अगर करोगे, ये अगर करोगे एंड इसका 3/2, सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज म्यू थ्री का क्या मीनिंग है, इट्स जस्ट अ नोटेशन. सेंट्रल डिविएशन आप बोल रहे हो, सेंट्रल थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट. सेंट्रल मोमेंट क्या होता है, हाँ, व्हाट इज सेंट्रल मोमेंट? x माइनस म्यू जब आप करते हो ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो वेरियंस आता है, इसका क्यूब कर देते हैं तो स्क्यूनेस के लिए न्यूमरेटर आता है, ठीक है. बेसिकली दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ, हम लोग जब इस लैंग्वेज में बात करते हैं, दिस इज यूनिटलेस. हाउ इज दिस यूनिटलेस? बिकॉज जो न्यूमरेटर है आपका वो 2^3 है, डिनोमिनेटर भी 2^3 हुआ ना, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. आप कर क्या रहे हो, आप वेरियंस का 3/2 कर रहे हो या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन 2^3 कर रहे हो, एंड ऊपर में भी 3 है, 2^3 क्यूब में है, यहाँ पे भी क्यूब में है, सो इट बिकम्स यूनिटलेस. इट्स लाइक अ कोएफिशिएंट, दिस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दैट वी आर कैलकुलेटिंग. हम लोग जब अभी आगे इसको बोलेंगे, हम लोग स्क्यूनेस बोल के इसको करते हैं, बहुत जगह आप लोग देखना, दे
एक्सप्लिसिटली राइट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और दे जस्ट राइट स्क्यूनेस. अगर वो यूनिटलेस है, देर इज नो यूनिट, तो आप समझ जाओ कि दे आर टॉकिंग अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू नो दैट द इफेक्ट ऑफ स्क्यूनेस जितना अच्छा स्क्यूनेस में, क्योंकि ये यूनिटलेस है, क्या यहाँ पे साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है क्या यहाँ पे वैल्यूज? यस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में हम लोगों ने याद है किया था, इफ इट्स जीरो, करेक्ट, इफ इट इज जीरो देन इट इज सिमेट्रिक, इफ इट इज पॉजिटिव इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिव नेगेटिव. तो यहाँ पे साइन मैटर्स. ठीक है, यहाँ पे योर साइन मैटर्स, यहाँ पे योर साइन मैटर्स, राइट. सो वेन यू सी लार्ज डिविएशंस ऑन द पॉजिटिव साइड, दिस मीन्स इट्स समथिंग लाइक दिस. वेन यू सी लार्ज डिविएशंस ऑन द पॉजिटिव साइड और ऑन द राइट साइड, इट इज वॉट, पॉजिटिवली स्क्यूड. एंड इफ यू सी लार्ज डिविएशंस ऑन द नेगेटिव साइड, इट्स अ negatively skewed. Now what do you think, most acids are what, positively or negatively skewed? How can you say that? So that also, haan bolo. Nahi to galat. To basically kya hota hai na, it depends. अगर आप जितना लॉन्ग रन जाते हो, जितना सपोज आप मंथली डेटा निकाल रहे हो कंपेयर टू डेली डेटा, ठीक है, अब आप मंथली डेटा निकालोगे तो आपको कंपेरेटिवली, जब आप डेली डेटा निकालोगे तो स्क्यूनेस यूजुअली आपको बहुत कम मिलेगा, बिकॉज यू डोंट सी अ लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी इन द टेल्स. व्हेन वी टॉक अबाउट स्क्यूनेस, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द शेप. तो डेली बेसिस में आपको उतना चेंज नहीं दिखेगा, बट मंथली बेसिस में यू विल सी दैट. Now that also depends on shares, different types of shares, or if you're talking about property, or if you're talking about gold, or if you're talking about bonds, everything will have crude, everything will have its own skewness, and it also depends on the time lag. Usually gold ka we see ki positive hota hai, even in the short run, but when we talk about shares, usually negative hota hai, ki aapko short run mein usually aapko negatively skewed returns dikhte hai, right? So, this is there. Now, next, after this, you have also done something called as kurtosis. Kurtosis mein kya kiya tha, batana? So, fourth central moment hai, jo aapke tails, kitna heavy hai aapka tail. Tailedness, jisko hum log bolte hain, tailedness measure karte hain using the kurtosis. Theek hai? अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन योर मटेरियल, दैट द स्क्यूनेस, गोल्ड हैज अ पॉजिटिव स्क्यूनेस एस्पेशली एट लॉन्गर ड्यूरेशन, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव सरप्राइजेस मे बी मोर लाइकली दैट नेगेटिव सरप्राइजेस. इफ आई एम सेइंग दैट इन द लॉन्ग रन योर गोल्ड जो है उसका जो आपका स्क्यूनेस है इट्स पॉजिटिव, बेसिकली ये मान लो आपका गोल्ड का स्क्यूनेस इन द लॉन्ग रन. यू सी मोर वेरिएबिलिटी वेयर? Where do you see more variability? You see more variability. यहां तक आपका टेल आगे तक जा रहा है ना, तो आपको ज्यादा दिख रहा है कि लार्जर शॉक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0%, 2%, 3%, यहां रहेगा, इट्स फाइन. बट यहां पे सडनली यू सी अ जम्प, है ना, तो यहां पे आप देख रहे हो 50%, 40%. तो ये जो जम्प है इसका आप क्या देख रहे हो, लॉन्गर जम्प इज हैपनिंग एट दिस साइड. तो वेरी लार्ज पॉजिटिव शॉक जो हम लोग बोल सकते हैं, पॉजिटिव शॉक क्यों, क्योंकि ग्रोथ है. गोल्ड में लॉन्ग रन में यूजुअली देखा जाता है ये चीज. नाउ इफ यू कंसिडर गोल्ड प्राइसेस 2 years बैक एंड यू कंसिडर गोल्ड प्राइसेस, अच्छा बजट को भूल जाओ, बजट में आफ्टर बजट देयर वाज अ फॉल, बट बजट के एक दिन पहले का एंड 2 years पहले का देखना, सो यू विल सी 50 years पहले का देखना, 100 years पहले का देखना, you will definitely see very large positive shocks in gold. ठीक है, gold में definitely you will always be seeing वो ऊपर जा रहे हैं. फिर इन्होंने क्या लिखा है, skewness of crude oil returns is negative when returns are sampled on a daily basis, but becomes
पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन. सो अगेन शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है. जैसे डेली में अगर आप क्रूड देखोगे तो आपको नेगेटिवली स्क्यूड मिलेगा. आपको यू विल नॉट सी वेरी लार्ज शॉक्स, यू विल सी वेरी लेस शॉक्स हैपनिंग. बट एज यू मूव टू अ लॉन्गर टर्म यू विल सी यस क्रूड में भी लार्ज शॉक्स हो रहे हैं. ठीक है. सो नाउ कर्टोसिस आपको क्या बताता है, हमने अभी समझा शेप के बारे में. बट और इन डेप्थ एनालिसिस करना है ऑफ द टेल्स, स्पेसिफिकली राइट टेल लेफ्ट टेल कितना ज्यादा लंबा है, टेल्डनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट एज टेल्डनेस. तो हम लोग ये टेल्डनेस किससे निकाल सकते हैं, कर्टोसिस. कर्टोसिस कर्टोसिस का फॉर्मूला अगेन इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन स्क्यूनेस, जस्ट दैट वहां पे आपका, प्लीज कीप योर सेल्स ऑन म्यूट, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार, या फिर एक्स बार नहीं लेते क्योंकि पॉपुलेशन में डील कर रहे हैं. सो वी कैन टेक इसका टू दी पावर फोर डिवाइडेड बाय ठीक है वेरियंस का स्क्वायर इज योर कर्टोसिस. नाउ यूजली हम लोग क्या बोलते हैं, कर्टोसिस विल डिक्लाइन एट लार्जर होराइजन लॉन्गर होराइजन एंड इट इज अ स्टाइल फैक्ट दैट रिटर्न सैम्पल्ड ऑन लो फ्रीक्वेंसीज लाइक मंथली डेली हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज क्लोजर टू नॉर्मल. सो ऑब्वियसली जब आप डेली मंथली वीकली डेटा निकालोगे तो आपको उतना ज्यादा टेल्डनेस नहीं दिखेगा, मतलब कि बहुत हाई जंप आ रहा है या बहुत नेगेटिव कुछ हो रहा है. बट व्हेन यू लुक इट इन टर्म्स ऑफ 10 इयर्स 5 इयर्स, जब आप ईयरली डेटा लेके देखोगे तो आपको एक्चुअली दिखेगा कि आपके कर्टोसिस भी काफी हाई है, मतलब आपके जो टेल्स हैं वो काफी हैवी है. दिस यू विल सी इन द लॉन्ग रन, ठीक है, नॉट इन द शॉर्ट रन यूजली. सो एक होता है लॉन्ग रन शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, राइट. ये सब क्लियर है. एक चीज अब मुझे जो समझाना है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज जब हम लोग का सैंपल साइज बहुत लार्ज है, व्हाट हैपेंस इन सच अ केस व्हेन योर सैंपल साइज इज वेरी 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 लार्ज. सो वी विल स्टडी अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लॉ ऑफ, आई थिंक यू माइट हैव हर्ड मी सेइंग दिस क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स. Remember when we were doing CLT, I used this word ki bahut huge sample size le lete hain. So what is the behavior of the mean or sample standard deviation? That is your law of large numbers. So law of large numbers, it states, what do you mean by law of large numbers? First of all, it means that you have a very large sample size with you. Apne 10,000 वैल्यूज ले लिए हैं, यू हैव टेकन 10,000 वैल्यूज IID इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. लेट्स सपोज, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया जिसका मीन इज दिस, ठीक है, जिसका मीन इज दिस. तो उन सारे वैल्यूज का अगर आप मीन निकालो, उन n वैल्यूज का अगर आप मीन निकालो, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता था, 1/n समेशन ऑफ ऑल द xi's I गोज फ्रॉम 1 to n, है ना. दिस वैल्यू विल टेंड टुवर्ड्स एक्चुअल पॉपुलेशन म्यू. दिस वैल्यू विल टेंड टुवर्ड्स द पॉपुलेशन म्यू, मीनिंग व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन 10,000 रैंडम नंबर्स from, let's say, suppose normal 5, 10 distribution. What is the population mean, Yash? What is the population mean here? Bolo. Population mean kya hai? Garima? Kya nahi? Ye distribution hai. एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें से यू आर टेकिंग आउट 10,000 वैल्यूज. तो पॉपुलेशन मीन इसी में है, कहाँ है,
Five is the population mean, na? Five. पॉपुलेशन मीन ऐसे मत समझो, पॉपुलेशन मीन एक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन से आप 10,000 वैल्यूज अगर ले रहे हो तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना आ रहा है, मतलब उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एक्चुअल मीन क्या है जहां से आप ले रहे हो वैल्यूज. तो पॉपुलेशन मीन इज 5. ठीक है, आपने क्या किया, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन था, इस डिस्ट्रीब्यूशन से आपने 10,000 वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लिए. क्या किया, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको मैं एक दिन दिखाऊंगी आर प्रोग्रामिंग में कि हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं रैंडम नंबर्स, हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो रैंडम नंबर्स हम इससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. सो आई हैव एक्सट्रैक्टेड 10,000 रैंडम नंबर्स. नाउ इन 10,000 रैंडम नंबर्स जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम दिस, इसका मैं मीन निकाल रही हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/10,000 एंड यू टेक समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स आई. व्हाट वैल्यू यू गेट over here, we say that this is very close to 5. This will be very close to 5 because आपने 10,000 values लिए. अब यही आप 10,000 के बदले खाली 100 लेते तो उतना answer close to 5 नहीं होता. This is law of large numbers that we say कि ये जो हमारा, इसको क्या बोलते हैं, हमने last class में क्या समझा, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं एस्टिमेटर. एस्टिमेटर है ना, वी से दैट एस्टिमेटर इज विल बिकम कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का क्या मीनिंग है, कंसिस्टेंट का क्या मीनिंग है, दैट इट विल बिकम, it will become, consistency requires, लिखो consistency requires that an estimator, जो हम लोग for example समझो क्या होता है, आपके पास 10,000 values है, you don't have the actual population mean. For example अब आपको ये नहीं पता, आपको खाली 10,000 values दे दिए, आपको नहीं पता कि ये कहां से लिए गए थे, आपको खाली पता है 10,000 values थे. तो मैं बोल रही हूँ मुझे पॉपुलेशन मीन जानना है, तो यू टेक एन एस्टिमेटर कि भाई वो इसके क्लोज हो सकता है. फिर हम लोग बायसनेस निकाल रहे थे, सेम वी वर डूइंग फॉर वेरियंस है ना. तो यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स में जो हमारा एस्टिमेटर होता है दैट बिकम्स कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, लिखो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स दैट एन एस्टिमेटर इज asymptotically unbiased. Asymptotically unbiased. What do you mean by asymptotically unbiased? Unbiased का meaning आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने last class biasness निकाला था, वो क्या होगा, zero. क्या होगा, zero. Same thing. So what we are saying, asymptotically unbiased. Now ये जो आप, ये क्या है, ये आपका estimator है for the average, for the standard, for the mean. ठीक है, mean का आपका ये हमने क्या लिया, mean का estimator लिया. अब अगर मैं इसका expectation निकालू, इसका expectation निकालू, this will be mu. अरे तभी तो हम लोग biasness का formula क्या था, हाँ बायसनेस का फॉर्मूला क्या था, लास्ट क्लास से बोलो बायसनेस का फॉर्मूला क्या था, ये था बायसनेस का फॉर्मूला. हमारे केस में हम बोल रहे हैं इट विल बी क्लोज टू जीरो, अनबायस्ड होगा, जीरो होगा, तो यही था ना. तो expectation of mu hat is mu in case of law of large numbers. What will you say about variance of mu? हमने किया है CLT में variance of mu. मैंने CLT लिखवाया था आप लोगों को, variance of mu क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था जाके बताओ, जो हमने पूरा पढ़ा था standard error और standard deviation का difference. This is the variance.
नाउ सिंस आप क्या यूज कर रहे हो, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स. लॉ ऑफ लार्ज नंबर स्टेट्स कि ये वैल्यू बहुत हाई होगा. सो इफ दिस वैल्यू इज वेरी लार्ज, इट विल बी टेंडिंग टू, दिस नंबर विल बी टेंडिंग टू जीरो. सो इन केस ऑफ लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, ये क्या है, ये आपका एस्टिमेटर है ना, एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेशन विल बी इक्वल टू द पैरामीटर टू द एस्टिमेट एंड द वेरियंस ऑफ इट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू जीरो. गॉट इट. सीएलटी क्या स्टेट करते हैं, लिखो अब लिखो. चलो द सीएलटी स्टेट्स, द सीएलटी स्टेट्स दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सीएलटी सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट्स दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन फॉर एनी रैंडम सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी फर्स्ट पॉइंट टेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड पॉइंट हैव अ मीन इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, हैव अ मीन इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन एज द सैंपल साइज टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो सीएलटी में हमने क्या पढ़ा है, सीएलटी के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा कि जो आपका एस्टिमेटर होगा, जो आपका मीन होगा, देखो रैंडम सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, द मीन फॉर एनी रैंडम, मैंने क्या लिखा है, सीएलटी स्टेट्स दैट द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ऑफ एनी रैंडम सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ एनी रैंडम सैंपल विल टेंड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो हमारा मीन है इट विल टेंड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट विल टेंड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एज द पॉपुलेशन मीन एंड वेरियंस, वेरियंस हमने प्रूव किया था लास्ट क्लास, ये होगा. एंड इफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस सिग्मा स्क्वायर बाय एन विल टेंड टू जीरो. ठीक है, अब एक बार ना ध्यान से समझो कि होता क्या है, ये सब भूल जाते हैं, एकदम ध्यान से समझो. आ जाओ, हम लोग बोल रहे हैं दिस इज ट्रू फॉर ऑल द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, नॉर्म यू टेक पॉइजन, यू टेक बाइनोमियल, यू टेक एनी सैंपल, एनी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका आपका आंसर ये आएगा. इसका मीनिंग क्या है, मैं बोलना क्या चाह रही हूं, ये मैं क्या बोलना चाह रही हूं, ये मैं ये बोलना चाह रही हूं कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पास है पॉइजन फाइव डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइजन फाइव से आप क्या समझते हो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्डा फाइव है. ठीक है, अब इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना. सैंपल ले रहे हैं ऑफ साइज एन, अच्छा सैंपल ले रहे हैं ऑफ साइज एन का मतलब साइज ऑफ साइज 10, ऑफ साइज 20, ऑफ साइज 50, ऑफ साइज 100. ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये सैंपल साइज, मतलब हम लोग एक बार 10 वैल्यूज निकाल रहे हैं साथ में पॉइजन फाइव से, 20, 50 एंड 100.
ये वैल्यूज निकाल के हम लोग इसका मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, सैंपल मीन, सैंपल मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। 10 वैल्यूज का करा, 20 वैल्यूज का करा, 50 का करा, 100 का करा, ये मैंने एक बार किया। अब ये प्रोसेस को मैं करती हूं 100 टाइम्स रिपीट। ये सेम प्रोसेस को इफ आई रिपीटेड 100 टाइम्स और लेट्स सपोज 1000 टाइम्स, व्हाट आई एम डूइंग, 1000 टाइम्स आई एम टेकिंग आउट 10 वैल्यूज, फाइंडिंग द सैंपल मीन, 10 वैल्यूज सैंपल मीन, 10 वैल्यूज सैंपल मीन, 10 वैल्यूज सैंपल मीन, दिस आई एम डूइंग 1000 टाइम्स। मतलब एक बार 10 वैल्यूज निकाला, उसका मीन निकाल दिया, फिर 10 वैल्यूज निकाला मीन, फिर 10 वैल्यूज निकाला मीन, फिर 10 वैल्यूज निकाला मीन, दिस आई एम डूइंग 1000 टाइम्स। फिर दूसरी बार अगेन 20 वैल्यूज निकाला, उसका सैंपल मीन, फिर 20 वैल्यूज निकाला, उसका सैंपल मीन, दिस आई एम डूइंग 1000 टाइम्स। तो हर एक का यहां पे 1000 सैंपल मीन्स आ जाएगा, हर एक के लिए, हर एक के लिए 1000 सैंपल मीन्स आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, क्यों सिमुलेशंस करते हैं, सिमुलेशंस इसको हम लोग बोलते हैं सिमुलेशन, ये जो है ये सिमुलेशंस है, 10,000 टाइम्स करना। सिमुलेशन इसीलिए करते हैं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग लगे कि व्हाट वी आर सेइंग इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, इज द केस ट्रू और नॉट। इसीलिए हम लोग सैम्पलिंग, होता क्या अगर आप एक बार में कंक्लूड कर देते कि 10 है, 20 है, इसका मीन आ रहा है, हम लोग बोल रहे हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, व्हेन एन इज लार्ज, तो एन इज लार्ज क्लियरली 100 में एन इज लार्ज, सैंपल साइज इज लार्ज, तो इसका जो आपका एक्स बार आएगा या फिर सैंपल मीन आएगा वो इसके क्लोज होगा, ठीक है, उस वो दैट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट यू आर सेइंग। बट क्योंकि जब आप सिमुलेशन रन करते हो तो आपको एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आता है 1000 टाइम्स रिपीट करके कि क्या ये सच्ची में ट्रू है। अगर 1000 में से आधी बार भी ट्रू है तो हाँ है ट्रू, है ना, इसीलिए हम करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं ना, हम इन सारे वैल्यूज का दोबारा से मीन ले लेते हैं। जैसे ये जो इंडिविजुअल मीन हम निकाल रहे हैं, इसका हम दोबारा से मीन निकाल लेते हैं। बट यहां पे वी सॉ, यहां पे जो ये मैंने पूरा प्रोसेस किया है ना, तो यहां पे वी एक्चुअली सॉ व्हाट हैपेंड व्हेन यू मूव्ड फ्रॉम, यू इंक्रीज योर एन का वैल्यूज एंड यू कैलकुलेटेड 1000, ये 1000 सैंपल मीन आ गए ना, इसके केस में 1000 सैंपल मीन आ गए। अब ये 1000 क्या है, ये 1000 सैंपल मीन है, इसको मैंने प्लॉट किया, इसको जब मैंने प्लॉट किया तो मैंने देखा व्हेन योर सैंपल साइज इज एन इक्वल्स टू 10, व्हेन योर सैंपल साइज इज एन इक्वल्स टू 10, तो उस केस में पता है मेरा कैसा आ रहा था, इट समवॉट, ये जो ये आप समझो बस की वैल्यू क्या है, ईच वैल्यू रिप्रेजेंट्स द सैंपल मीन ऑफ 10 वैल्यूज, दिस इज डन 1000 टाइम्स, 1000 वैल्यूज जो आपको मिल रहे हैं सैंपल मीन के, उसको अब मैं प्लॉट कर रही हूं, तो उसको जब मैं प्लॉट करूंगी वो कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है। फिर जब मैंने सैंपल साइज 20 करा, मतलब इसी में प्लॉट करती हूं, चलो, सो इट वेंट समवॉट लाइक दिस, ठीक है, थोड़ा ऊपर से जाएगा। फिर जब वो 50 हुआ एंड फिर जब वो 100 हुआ तो वो एक्चुअली पूरा किसके जैसा दिखने लग गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस है ना, तो ये मैंने मतलब एक दिखाया है खाली आपको कि व्हाट हैपेंड, आपने सैंपल साइज लिया 10 का, कितने बार मीन निकाला, 1000 टाइम्स, मतलब आपने ईच टाइम 10 वैल्यू एक्सट्रैक्ट किया उसका मीन, 10 वैल्यूज एक्सट्रैक्ट मीन, 10 वैल्यूज एक्सट्रैक्ट मीन, दिस यू रिपीटेड 1000 टाइम्स, दिस यू रिपीटेड 1000, सो यू हैव
1000 वैल्यूज यहाँ पे टू प्लॉट, उसका प्लॉट बनाया, फिर ये 1000 वैल्यूज का प्लॉट। आप किसका प्लॉट बना रहे हो? आप बना रहे हो 1000 सैंपल मीन्स का प्लॉट विथ एन इक्वल्स टू 10, विथ एन इक्वल्स टू 20, 30। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि क्या ये सच है? यस, ये सच है, ये हमने पूरा किया है, ये हमने पूरा करके देखा है। एंड तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कि वो लिमिट हो जाता है सेंट्रली जब आपका सैंपल साइज बहुत ज्यादा होता है, तो आपका म्यू हैट या सैंपल मीन, जो ये सैंपल मीन है एस्टिमेटर, दिस टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड दिस एज द वेरियंस, वेरियंस विल टेंड टू जीरो इफ एन टेंड्स टू इंफिनिटी। इज दिस क्लियर? इसको स्टैंडर्डाइज करना होगा अगर, तो कैसे करते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन याद है? स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते हैं? माइनस म्यू बाय रूट, ये होगा, दिस विल फॉलो नॉर्मल 0.1, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने ये लेफ्ट साइड है राइट साइड है, माइनस म्यू बाय ये कर दिया, तो म्यू माइनस म्यू ये 0 हो जाएगा और वेरियंस वाला पार्ट में डिविजन हो गया 1। यही होता है, हम लोगों ने ये किया था स्टैंडर्डाइजेशन में, तभी आप लोगों ने वो सीखा था ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, तो कोवेरियंस एंड कोरिलेशन मैंने करा दिया था ना, डू यू रिमेम्बर दिस गरिमा? डू यू रिमेम्बर कोवेरियंस व्हेन आई रोट, और दिस इज कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई व्हिच इज एक्चुअली इक्वल टू, क्या होता था फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, है ना, ये होता था कोवेरियंस। और कोरिलेशन, मैंने कोरिलेशन का साइन सिखाया था ना, रो, रो एक्स वाई इज दिस कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, है ना, ये हमने सीखा है। सिमिलरली ये हो गया, बेसिकली ये है क्या, ये है कोवेरियंस, वेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स। वेरियंस जब निकालते हैं वो सिंगल का निकालते हैं, तो याद करो मैंने आप लोगों को सिखाया था वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स, इसमें डाल दोगे तो वो अपने आप स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स एक्स डाल दोगे वाई के जगह पे। बट क्या ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस में डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, थोड़ा वियर्ड है, वियर्ड तो नहीं बट ठीक है, हम लोग डाल सकते हैं। जैसे यहां हमने वेरियंस निकाला ऑफ टू वेरिएबल्स, कैन यू फाइंड आउट वेरियंस ऑफ थ्री वेरिएबल्स? यस, वी कैन हैव वेरियंस ऑफ, सॉरी, स्क्यूनेस ऑफ टू वेरिएबल्स, यस। सो स्क्यूनेस ऑफ टू वेरिएबल्स मतलब वो हो गया को स्क्यूनेस एंड को कर्टोसिस। कोस क्यूनेस क्या होता है? वॉट इज कोस क्यूनेस? सो स्क्यूनेस में थ्री टाइम्स हम लेते हैं, रिमेंबर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब, क्यूब आ रहा है ना, क्यूब। तो यहां पे है तो हमारे पास दो वेरिएबल्स एक्स और वाई है, दो वेरिएबल्स निकालना तीन टाइम है, तो यहां आपको किसी भी एक वेरिएबल को दो बार लेना पड़ेगा, बिकॉज क्यूनेस में रेज टू दी पार थ्री होता है ना, यहां पे इट्स रेज टू दी पार टू, सो वेरियंस में एक ऐसे कर दिया, बट क्यूनेस में तो रेज टू दी पार थ्री होता है, तो हम एक्स, हम क्या करेंगे,
एक्स को दो बार ले लेंगे, वाई को भी दो बार ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ठीक है। दिस वॉज डिवाइडेड बाय वॉट, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्यूब, बट यहां पे दो है क्योंकि एक्स को हम टू टाइम्स ले रहे हैं, तो इससे ऐसे करेंगे। ठीक है, यू कैन राइट फॉर एक्स वाई वाई ऑल्सो, जिस दैट स्क्वायर उधर चला जाएगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा। अब इसको एक बार मीनिंग समझते हैं क्विकली, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसका मीनिंग ये है, ध्यान से सुनना, अगर इसका स्क्वायर कर रहे हो ठीक है, तो क्या इसका साइन का कोई इंपॉर्टेंस बचा? नहीं बचा, स्क्वायर कर दिया ना, सो साइन या डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। बट साइन में इसका मीनिंग है, साइन में इसका मीनिंग है ना। तो डायरेक्शन कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, और मैग्नीट्यूड डबल कर दिया ना स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड यहां आ रहा है। तो क्या लिखते हैं बेसिकली, इसको ऐसे लिखते हैं कि इट कैप्चर्स द लार्ज डायरेक्शनल वैल्यू, लार्ज डायरेक्शनल वैल्यू व्हेन एवर द अदर वेरिएबल इज लार्ज इन मैग्नीट्यूड। So when there is no sensitivity to one direction of one variable, the coskewness will be zero. I'll explain it again. Basically, what we are saying, if that x ka value is very large, and in that case y is positive, to coskewness positive aayega. But agar x ka value is very large and y ka direction does not depend ऑन एक्स का मैग्नीट्यूड, तो कोस क्यूनेस जीरो हो जाएगा। सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन व्हेन वी से इट्स इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नो शेप, सिमेट्रिकल। तो सिमिलरली यहां पे भी इफ इसका मैग्नीट्यूड डज नॉट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ दिस वेरिएबल, इट इज जीरो। सो बेसिकली आप यहां क्या देखते हो, यहां देखते हो एक रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर प्राइस विल गो इन अ पॉजिटिव साइड और अ नेगेटिव साइड डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिटर्न ऑफ द अदर। बहुत लोग क्या करते हैं, गोल्ड को रिलेट करते हैं स्टॉक मार्केट से, तो आप मैग्नीट्यूड लेते हो जब स्टॉक मार्केट बहुत भाग रहे, चाहे ऊपर की तरफ भागे नीचे की तरफ भागे, इट्स नॉट द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इट्स द मैग्नीट्यूड। तो गोल्ड का क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, ठीक है, आप ये सब करते हो राइट हाँ, फॉरेक्स का होता है, करेक्ट, कंप्लीटली करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं, कोस क्यूनेस इन अ बाय वेरिएट नॉर्मल इज ऑलवेज जीरो। मतलब जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं बाय वेरिएट नॉर्मल, तो वो जीरो ही होगा ना, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूनेस इज जीरो। तो स्क्यूनेस जीरो मतलब एक का मैग्नीट्यूड दूसरे के डायरेक्शन को इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो इन दैट केस इट विल बी जीरो। सिमिलरली को कर्टोसिस भी होता है। अब को कर्टोसिस में क्या हो जाएगा, को कर्टोसिस में हम लोग, को कर्टोसिस मैं यहां लिख देती हूं, चार होते हैं, रेस टू दी पार फोर होता है, तो हम लोग एक्स को दो बार ले लेंगे और वाई को दो बार। आप उल्टा, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स को आपने तीन बार ले लिया और वाई को एक बार, ऐसे भी कर सकते हो। अगेन ये हर एक का अपना अलग मीनिंग है, बहुत डिटेल में नहीं है, जस्ट दैट दिस इज गिवन, सो यू ऑल शुड जस्ट नो कि इसको अप्लाई कैसे करना होता है। दैट्स इट। अब यहां अगेन इट इज डायरेक्शनलेस, सॉरी हाँ, डायरेक्शनलेस, पॉजिटिव नेगेटिव कर्टोसिस में डजेंट मैटर। हमने जब कर्टोसिस एनीवेज किया था तो हमने क्या बोला था, थ्री को लेते हैं हम लोग, थ्री लेते हैं मेसोकर्टिक, इसके ऊपर इज लेप्टोकर्टिक, इसके नीचे इज
प्लेटोकोटिक है ना, ऐसे हमने पढ़ा था. तो डायरेक्शन प्लस माइनस का कुछ नहीं है. तो मैग्नीट्यूड खाली यहाँ पे ले रहे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन हाउ इट विल अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर. ठीक है बेसिकली. एंड यहाँ पे कैन यू टेल मी गरिमा दिस इज वॉट, दिस मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द वेरियंस. सो वोलेटिलिटी, इसके बदले वोलेटिलिटी ऑफ वन विल इम्पैक्ट वोलेटिलिटी ऑफ अदर. जब एक बहुत भाग रहे तो दूसरा कितना भागेगा. एक एसिड बहुत वॉलेटाइल है तो उसके वजह से दूसरा एसिड कितना वॉलेटाइल होगा. जब शेयर मार्केट में बहुत मूवमेंट होते हैं, गोल्ड में भी मूवमेंट होता है, गोल्ड में भी मूवमेंट होता है. जब एक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो दूसरा भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है यूजली इन द एसेट मार्केट. ठीक है. सो दिस इज ऑल, वी फिनिश चैप्टर 5. यू ऑल विल रीड इट जस्ट वंस, देन सॉल्व एमसीक्यूज. रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट बट उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत डिटेल में है. मैंने ऑलमोस्ट सभी कवर कराया बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द नेक्स्ट क्लास. जस्ट मेक श्योर कि यू नो वॉट इज इम्पॉर्टेंट. आपको बहुत डिग डीप भी नहीं करना है हर चीज में एंड आपको साथ में एमसीक्यू स्टार्ट करना है. टुमोरो मोस्ट प्रोबब्ली आई विल बी डूइंग एमसीक्यूज ऑफ द फर्स्ट 5 चैप्टर्स. ठीक है. एनी डाउट? चलो थैंक यू सो मच. बाय बाय.